हजरत उमर फारूक को पता चलता है कि कुछ सिपाही कुछ फौजी आ रहे हैं, रास्ता खतरनाक है, अपना एक कासिद भेज दिया जंगल में, यहीं आराम कर लो, रास्ता खतरनाक है, खतरनाक जानवर आते जाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें रात वहीं गुजारना है और दिन के उजाले में तुम्हें मदीने आना है। उनको रात में उसी जंगल में गुजारना था उन फौजियों को। हजरत उमर अपना घोड़ा उठाते हैं और देखते हैं कि उन फौजियों को कोई तकलीफ तो नहीं है, बिस्तर उनके पास है या नहीं, तकिए उनके पास है या नहीं, लेटने के लिए चादरें बिछाने के लिए उनके पास चटाइयां हैं या नहीं। हजरत उमर ये देखने के लिए रात ही में निकल जाते हैं, क्या देखते हैं कि बीच सड़क पर एक औरत लेटी बैठी हुई है और उसकी गोद में एक बच्चा है जो रो रहा है। हजरत उमर ने घोड़ा रोका और कहा, क्या बात है, ये बच्चा क्यों रो रहा है? उसने कहा, भूखा है, चलो इसको दूध पिलाओ, इस बच्चे को दूध पिलाओ, इसको खामोश कराओ और अपने घर जाओ। ये कहकर आगे बढ़ गए, फौज का मुआयना करके और उनका की देखरेख करके जब वापस लौटे, काफी देर के बाद जब वापस लौटे तो क्या देखते हैं, उसी जगह पर वो औरत अभी तक बैठी हुई है और उसका बच्चा रो रहा है। हजरत उमर घोड़े से उतरे, उस औरत के पास गए और कहा, बड़ी निर्दयी माँ हो, बड़ी बेरहम माँ हो, अभी तक बच्चे को रुला रही हो, तुम्हारी पिस्तानों में क्या दूध नहीं है जो इस बच्चे को पिलाकर खामोश कर सको और अपने घर जा सको? उसने कहा, मैं इस बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती, मेरी पिस्तान में दूध है लेकिन मैं पिलाना नहीं चाहती, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं। कहा, क्यों? उस औरत को मालूम नहीं कि ये उमर है। उस औरत ने कहा, इसलिए मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं कि उमर ने, अमीरुल मोमिनीन ने यह ऐलान कर दिया है, जब तक बच्चा अपनी मां का दूध पिएगा उसको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा। जब बच्चा अपनी मां का दूध छोड़ देगा तो उस बच्चे का राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं ताकि इस बच्चे का भी राशन मुझे मिलने लगे, जो राशन मिलता है वो मेरे घर में काफी नहीं होता। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, नजरें आसमान पे डाली, का उमर तू कितना बड़ा जालिम है, तूने ये कानून क्यों बनाया है कि जब तक बच्चा अपनी मां का दूध न छोड़ दे तब तक उसको वजीफा नहीं मिलेगा। इस कानून के बाद फिर कोई औरत अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी। जब मां का दूध ही नहीं मिलेगा तो बच्चे में मां की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? आपने उसी दिन ये कानून खत्म कर दिया।